अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज हम आए थे ऊपर और बच्चे जो है ना वो भी इधर एंजॉय कर रहे हैं। आज छुट्टियां हो गई हैं इनको स्कूल से, तो अब पढ़ना इनका खत्म। शोर डाला हुआ है, अच्छा खासा काम मिला है बच्चों को, शोर बोर्ड डाला हुआ है, तो मैंने कहा उतने होमवर्क स्कूल में कर लिए और ठंड काफी ज्यादा थी, मैंने कहा नीचे लेके आऊँ इनको, तो उमर ने सुबह से शोर डाला हुआ था कि आज अभी तक हम लोगों ने वीडियो अपलोड नहीं की है, तो मैंने कहा चले वो भी जाके ऊपर बनाते हैं, बच्चों का भी दिखाते हैं और ऊपर का व्यू भी थोड़ा सा दिखाते हैं कि मौसम काफ़ी ठंडा हुआ हुआ है। धूप वगैरह जो है ना वो तो निकलनी बंद हो गई है, वैसे भी स्मोक वगैरह आपको पता है पड़ती है, सांस फूलने लगे, स्मोक वगैरह का भी इश्यू है ना, इसलिए स्कूलों में छुट्टियाँ हो गई हैं जल्दी, और अच्छी बात है वैसे चले हम लोग इनसे कह रही हूँ आउटिंग पे थोड़ी देर, थोड़ा टाइम, हाँ थोड़ी देर आधे घंटे के लिए चले जाते हैं आउटिंग पे, थोड़ा सा माइंड वो हो जाएगा रिलैक्स। हम लोगों ने इस्लामाबाद भी जाना था, यू नो जाना था ना, अब बर्थडे गुजर गई है, बर्थडे में देख ले अपनी वजह से मुकर जाते हैं, इन्होंने कहा था कि जाएंगे, हाँ जी मैंने कहा था लेकिन टाइम नहीं ना मिला हमें, और रात को ये कह रहे थे, कहते हम लोग मरीज जाएंगे तो हम लोगों से सर्दी बर्दाश्त नहीं होनी है, जितनी सर्दी है अब इन मौसम में बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं होता, अगर बंदा नहीं जा रहा है तो बंदा मार्च में चला जाए, मार्च में जरा ये है कि नॉर्मल हो जाता है मौसम, देखने वाली तो स्नोफॉल होती है ना, तो स्नोफॉल में हमसे नहीं ना देखी जानी, वो पहले एक दफा गए थे स्नोफॉल में, अंदर ही रहे हैं, देख ली थी मैंने ही देखी थी एक, अंदर एक दफा गए स्नोफॉल में लेकिन अंदर रूम में इधर रहे हैं, जो होटल लिया था ना वहीं पर हैं, बस नीचे उतरते थे खाना खाते थे, खाना होता रहता था क्योंकि मेरे से चला नहीं जाता था बर्फ में, और ये कहते थे चलो फटाफट चलो, तो फिर झगड़ा हो जाता था, कहते तुम्हें शौक भी बहुत था और अब तुम बैठ जाती हो एक जगह पे जी, इनको मौका मिल गया एंजॉय करने का, वो बलून काफी ज्यादा बच गए थे ना उस दिन के, जो बलून है वही जो है उनके साथ खेल रहे हैं, से गिरना जाना और देखो जब ने कहा गिरना जाना फौरन गिर, मुझे बड़ा इस चीज़ का वहम होता है, मैं इनको ना अकेले खेलने भी नहीं देती, उम्र से मुझे इस बात पे डांट बहुत पड़ती है, कहते तुम बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो, खेलने नहीं देती उनको, बस मुझे यही होता है कि ये चोट ना लगवा लें, कहीं कुछ हो ना जाए, बस ये बड़ी वहमी हूँ मैं थोड़ी सी इस मामले में, शायद सारे पेरेंट्स ही होते हैं बच्चों के मामले में। इंशाल्लाह बच्चों की छुट्टियां होंगी, फ्री है, ये है कि हम आउटिंग पे जरूर जाएंगे, आउटिंग पे तो चलो जाएंगे ही, लेकिन मसला नहीं होता, अब सुबह जो है ना जल्दी उठने का भी, नमाज पढ़ के बंदा बाद में इजीली सो सकता है, अब तो पहले तो 8:30-9 बजे सोते थे नमाज पढ़ने के बाद, क्योंकि बच्चों ने जाना, मैं इस चीज पे बहुत रिलैक्स हूं कि क्लाइंट भी आए होंगे, रात देर तक मैं काम भी अपना कर दूंगी, क्योंकि क्लासेस भी मैंने ऑनलाइन स्टार्ट की हुई हैं, उनका भी इशू नहीं होगा, तो वो फिर मैंने वीडियोस भी बनानी होती है उनके लिए, तो अब मैं रिलैक्स होकर बनाऊंगी कि मुझे सुबह फिर ये होगा कि नमाज के बाद हम लोग सो जाएंगे और तकरीबन 12 बजे सैलून का टाइम स्टार्ट होता है, तो फिर मैं तब तक रिलैक्स होके उठूंगी, और इंशाल्लाह यूट्यूब पे वीडियो हमारी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आती रहेंगी, पहले तो बनी नहीं होती, इंशाल्लाह बना के रखेंगे, बस आपने हमारे साथ रहना, जो लोग नए हैं वो चैनल बना के रखने वाली बात तो झूठ है, फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये है कि जल्दी अपलोड हो जाएगा, लेकिन बस अभी मैंने हांडी बनानी है और सैलून में हेयर का काम स्टार्ट करना, कस्टमर आने वाली है, तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से हांडी बना लूँ, क्योंकि हांडी बनी हो ना फिर टेंशन नहीं होती है मुझे, फिर खाना भी बच्चों को जाहिर सी बात है टाइम पे देना जरूरी है। चलें जी, आज का व्लॉग जो है यहीं पे हम करते हैं खत्म, अब आगे आप मजे मजे के व्लॉग आपके लिए लेके आए, क्योंकि बच्चों को अब स्कूल से हो गई छुट्टियाँ, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको आपने लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चाबी लाके।